हम बनाएंगे रसगुल्ले। रसगुल्ले जो सबके बहुत फेवरेट हैं, बहुत इजी स्टेप्स में आप घर पे बना सकते हो। बहुत कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं बनाने के लिए। आपको क्या चाहिए इसमें? आपको दूध चाहिए, फुल फैट क्रीम दूध है तो वो भी अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं भी 2% मिल्क ले रही हूँ। चीनी चाहिए हमें चाशनी के लिए, हमें पानी चाहिए चाशनी के लिए, दूध को हमें फाड़ना है, उसका पनीर बनाना है, उसके लिए मैंने विनेगर लिया। आप नींबू का रस भी ले सकते हो, जिस तरह से भी दूध फाड़ना हो। ये कॉर्नफ्लावर लिया है, ये मिक्स करेंगे जब हम रसगुल्ले बनाएंगे पनीर फाड़ के। और ये मैंने रोज कटर्स लिए हैं, हम इससे चाशनी में डालेंगे फ्लेवर के लिए। ये मेरी रेसिपी है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो ये स्टेप। तो अब हम दूध उबलना रखेंगे, मैं 2 लीटर दूध बॉइल करूंगी और उसे फाड़ना है। तो ये हम दूध डाल रहे हैं। ये जो मेरा बर्तन है ये अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर्स का है, तो इसमें मैं 2 लीटर दूध डालूंगी, तो यहां तक इसमें दूध जाएगा। तो ये 2 लीटर दूध हो गया, इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल होने के बाद इसमें विनेगर ऐड करेंगे फाड़ने के लिए। तो जैसे ये दूध बॉईल हो गया है, इसे अब हम अच्छे से फाड़ लेंगे। फाड़ने के लिए मैं यूज कर रही हूँ विनेगर, व्हाइट विनेगर, सिरका। आप नींबू का रस चाहें, जैसे भी आप दूध फाड़ते हो आप फाड़ सकते हो। तो ये मैं भी 1 चम्मच मैंने डाला इसमें। ये अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा और पानी अलग। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें विनेगर डालेंगे। तो ये आप देखिए ये अलग हो गया, बिल्कुल पानी अलग हो गया और पनीर अलग हो गया। अब इसे हम अच्छे से ठंडे पानी में धोएंगे। ये मैंने इसमें रख दिया एक बॉल और उसमें एक कपड़ा। आप कोई भी मलमल का कपड़ा यूज कर सकते हो, कोई भी स्ट्रेनर यूज कर सकते हो। इसमें मैं अब ये जो अभी मैंने पनीर बनाया है इसको डालूंगी। बड़े ध्यान से आपने डालना है क्योंकि ये गर्म है। इसमें अब हम ठंडा पानी चलाएंगे। तो ये हमने इसमें डाल लिए, ये जो पानी नीचे इकट्ठा हुआ है इस पानी को हम फेंक देंगे और फिर पनीर को हम अच्छे से ठंडे पानी से धोएंगे। ठंडा पानी इसमें चलाएंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और जो भी विनेगर का उसमें फ्लेवर है कुछ है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसे हमें अच्छे से ठंडे पानी में। इससे निकालना इसमें से हमें विनेगर का पूरा फ्लेवर। तो 2-3 बार इसे अच्छे से ठंडे पानी में धोए। ये इसे हमने अच्छे से ठंडे पानी से साफ कर लिया है ताकि इसमें से विनेगर का सारा फ्लेवर, सारा टेस्ट, या आपने नींबू डाला है तो उसकी पूरी खटाई और वो सब कुछ निकल जाए। और इसे अच्छे से आपको स्क्वीज करना है कि जितना मैक्सिमम पानी आप निकाल सकते हो वो मैक्सिमम पानी इसमें से हमें निकाल देना है। तो ये अब सारा हम जो हमने पनीर बनाया है इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में या एक थाल में या जिसमें भी आपके पास खुला कोई बर्तन हो जिससे हम इसे। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको इस पनीर को
बिल्कुल एक जान करना है। एक जान मींस ये अभी ऐसे खुला है, ये एकदम से एक डो की तरह बन जाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसे हम बहुत अच्छे से मलेंगे, तब तक मलेंगे जब तक कि ये एक बहुत ही मुलायम सॉफ्ट डो की तरह ना बन जाए। तो मैं मलती हूँ, इसमें टाइम लगेगा 5-10 मिनट इसे मलना पड़ता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी मलने के बाद ये कैसा हो जाएगा। तो ये आप देखिए, अब एक ये डो की तरह बन गया है, बिल्कुल सॉफ्ट। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे। आप कॉर्नफ्लावर या मैदा कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं, मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। इससे ज्यादा हम लोग कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे, और इसे उसके बाद फिर सेम वे में 5-7 मिनट फिर से अच्छे से मलेंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बस ये प्रोसेस आपने प्रॉपर करना है, इसे एकदम से मुलायम बनाना है, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसका डो बनाते हैं, उस तरीके से हमें इसे गूंथना है। ये अब हमारा डो प्रॉपर तैयार हो गया है, ये देखिए, ये ऐसा लगना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे आटा होता है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, जितने साइज के आपको चाहिए रसगुल्ले, क्योंकि ये फूलेंगे भी तो उस हिसाब से साइज होना चाहिए। तो अब हम इसे थोड़ा सा लेंगे और इसकी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। ये अभी एक रसगुल्ला मैंने रोल किया है, तो आप देखें इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। और ये मैंने एक बनाया, आपको अभी बताऊंगी कैसे बनाना है, तब तक मैं चाशनी का पानी उबलना रख दूं, क्योंकि हमें ये बनाने के बाद चाशनी में डालनी है। ये मैंने 2 कप के करीब चीनी ली है, इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी। तो इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है, बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं होनी चाहिए, चीनी बस घुल जाए, अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बॉल कैसे बनानी है। थोड़ा पहले प्रेशर देके फ्लैट करके और फिर इसे राउंड शेप देनी है, ताकि इसमें कोई क्रैक ना हो। तो ये हमारी चाशनी रेडी है, ये बॉयल हो रहा है अच्छे से, चीनी अच्छे से घुल चुकी है। इसे हम थोड़ा अब गैस को कम कर देंगे और इसमें रसगुल्ले जो हमने बॉल्स बनानी है उसकी वो ऐड करेंगे। और रसगुल्ले ऐड करने से पहले मैं इसमें थोड़े से रोज पेटल ऐड करूंगी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें आप अपनी चॉइस से, अगर ये ऐड नहीं करना, इलायची करनी है, रोज वाटर करना है, वो आप ऐड कर सकते हो फ्लेवर के लिए। मैं इसमें रोज पेटल्स ऐड करती हूँ। तो ये अब हमारी शुगर सिर्फ रेडी है इसमें रसगुल्ले डालने के लिए। तो ये हमने बॉल्स बना ली है सारी, ये 2 लीटर दूध में अराउंड 35-37 बॉल्स बनी है, मीडियम साइज। तो इसे अब हम शुगर सिर्फ जो हमारा बॉयल हो रहा है उसमें ऐड करेंगे। और जब ये हम ऐड कर रहे हैं तो मेक श्योर
कि जो शुगर सिर्प है वो बॉयल अच्छे से होता होना चाहिए। गैस को आपको स्लो बिल्कुल नहीं करना, इनको अच्छे से बॉयल होते हुए सिरप में ही ऐड करना है। ये 5 मिनट हो गए हैं, तो देखिए रसगुल्ले कैसे फूल गए हैं। इसमें मैं थोड़ा ठंडा पानी ऐड करूंगी, क्योंकि हमने चाशनी को बहुत गाढ़ी नहीं होने देना, इसलिए हमें इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। इनको हम फिर से बॉईल कर ढक के बॉईल करेंगे अनदर 5 to 10 मिनट्स। तो फिर से देख लेते हैं अनदर 5 मिनट्स डन, और इनको एक बार थोड़ा बीच में स्टर भी कर दे। देखें अच्छे से फूल गए हैं। अभी इन्हें हम थोड़ी देर, अभी हमें इसे 10 मिनट हो गए, तो अनदर 5 मिनट। ये इसको हिला देते हैं एक बार अच्छे से, फिर से हिला देते हैं, और ये दे लुक दे आर रेडी। तो अब इसे गैस बंद कर दूंगी मैं, और इसे ठंडा होने देंगे, बड़ा रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, तो फिर इसे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। इनको हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं केयरफुली, और फिर इसमें हम इसे ठंडे होने देंगे, ठंडे रूम टेम्परेचर पे हो जाएंगे, फिर हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे, और तब मैं आपको दिखाऊंगी स्क्वीज करके कि ये कितने स्पॉन्जी है। ये रसगुल्ले रेडी है, और ये को रसा भरा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि ये कितने स्पॉन्जी है। तो इसको कटोरी में लेके पूरा रसा भरा हुआ है, और ये फिर से रसा सारा से चला जाएगा, और ये बिल्कुल स्पॉन्जी खाने के लिए तैयार है।